नमस्कार फ्रेंड्स, CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स TV पटेल से मैं अमित कुमार पट आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 11th के अंदर इंग्लिश मीडियम में हमने लास्ट एपिसोड में चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे हमारे, इसके बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ बात करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड में हम चलते हैं, थोड़ा उसको याद कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, उस ट्रांजेक्शन्स के जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उसको ज़रा सा याद कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 ऐसा था, ₹1000 सैलरी पेड, ये हमारा एक ट्रांजेक्शन्स है। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हमारे पास था उसका दूसरा स्टेप था, हमें उनमें से ड्यूअल इफेक्ट्स निकालनी थी जो हमने सीखे थे। सैलरी पेड दैट मीन्स हमने कैश पेमेंट किया है, इसलिए एक एंट्री हमारी निकल थी कैश अकाउंट, ऐसे हमें मिलता है यहाँ पर। सेकंड वन सैलरी पेड दैट मीन्स सैलरी इज अवर एक्सपेंसेस, सो सेकंड वन इज सैलरी अकाउंट, ऐसे हमने ड्यूअल इफेक्ट्स हमने निकाली थी, कैश अकाउंट सैलरी अकाउंट, ये हुआ ड्यूअल इफेक्ट्स का काम। अब उसके बाद हमने सीखा था लास्ट एपिसोड में जो था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, हमने 3 प्रकार के टाइप्स निकाले थे, एक पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट। उसके बारे में मैंने आपको पूरा एपिसोड में सिखाया था, साथ में आपको बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो अब आपको याद होगा कैश अकाउंट जो है वो आएगा असेट्स, इसलिए रियल अकाउंट के अंदर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। अब सैलरी अकाउंट जो है वो फर्म के लिए या बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासीफाई करते हैं, राइट। ये हमारा दूसरा स्टेप था जो कि हमने अभी तक की पढ़ाई की थी, जो हमारा फाउंडेशन था। तो अभी तक जो पता चला था, अब आगे क्या सीखना है, तो अब तीसरा जो स्टेप है, हमें जो दो अकाउंट मिले हैं और दो अकाउंट में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो बात को आज हम पूरी तरह से सीखने वाले हैं। तो ये अच्छी तरह से फ्रेंड्स आप जान लेना कि अकाउंटेंसी के अंदर ये बहुत बड़ा अच्छा सा एक फाउंडेशन है, यहाँ पर जिसकी नींव अच्छी होगी वो बिल्डिंग बहुत अच्छी तरह से बनेगी यहाँ पर। तो आज जो टॉपिक पढ़ना है, जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या बताया मैंने, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो नियम हमें आज यहाँ पर दिए गए हैं, उसको आप अच्छी तरह से जानना, सीखना, कोशिश करना और अच्छी तरह से अपने आने वाले दिनों के अंदर इसको सॉल्यूशन में लेना है। तो हमारे 3 अकाउंट्स थे, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो 3 अकाउंट है तो उनके 3 नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट का नियम कौन सा, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जब तक आप कॉमर्स लाइन में रहोगे तब तक ये नियम आपको हर रोज आने वाले हैं, इसलिए आपको इस बार याद कर लेना है, उसको रट लेना है, 3, 4, 5, 10 बार उसको लिख लेना है और उसको याद करना है। कभी भी आपको पूछा जाए कि पर्सनल अकाउंट का नियम बोलो डेबिट क्रेडिट का, तो आपको बताना है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गीवर, यानी जो रिसीवर है उसको आप डेबिट करोगे और जो गीवर है उसको आप क्रेडिट करोगे, राइट। सेकेंड वन रियल अकाउंट, रियल के अंदर क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसे हमें याद करना है। फिर से डेबिट व्हाट कम्स इन यानी जो हमारे फॉर्म के अंदर आया है उसको हम डेबिट करेंगे, हमारे फॉर्म में से जो गया है उसको हम क्रेडिट करेंगे, दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर नियम क्या है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो ये बात बैकग्राउंड में अच्छी तरह से आपको याद कर लेना था, सिखाया था। पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी बातें आती है, तो नेचुरल पर्सन है ना, रमेश भाई, जयेश भाई, मोहन भाई कहा था, आर्टिफिशियल पर्सन कहा था उस टाइम पर, जैसे कि क्लब हो, इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, बैंक हो, चाहे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो, वो सभी पता चल गया तो रिसीवर और गिवर के बारे में वहाँ पर बात आएगी। रियल के अंदर बताया था कि जो गुड्स रिलेटेड है हमारे पास और जो असेट्स के बारे में जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है,
राइट। अब नॉमिनल में भी बताया था कि एक्सपेंस जो होता है यहाँ पर या लॉस होता है यहाँ पर वो एंट्री करेंगे, और यहाँ पर इनकम और गेन जो है वो भी हमने इंक्लूड किया था। तो ये हमारे हो गए रूल्स। तो अब कैसे इसको हम क्लासिफाई करेंगे? रूल्स तो पढ़ लिए, याद भी कर लिए, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे उस बात पर हमें ज़्यादा वेटेज देना है। फिर इसे एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का नियम कौन सा है? तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गीवर। एंड सेकंड वन रियल अकाउंट का जो नियम है वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। ये हो गए हमारे रूल्स। अब उसको प्रैक्टिकली हम यहाँ पर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले स्टार्ट में जब एक एग्जांपल लिया था, रुपीज 1000 सैलरी पेड, उसके हमने दो अकाउंट निकाले थे, कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट। उसको क्लासीफाई किया उसके टाइप्स के अंदर, कैश आएगा रियल में, सैलरी आएगा नॉमिनल के अंदर। अब कैश जब आता है यहाँ पर तो उसका अकाउंट कौन सा बन गया? रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट का ही रूल्स हमें यहाँ पर याद करना है उसके लिए। तो बोलो आप, कैश अकाउंट रियल में है तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने सैलरी पेड की, दैट मीन्स कैश गोज आउट, कैश हमने दी, यानी हमारे फर्म में से कैश जा रही है। दैट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो ये कैश अकाउंट होगा वो हमारा होगा क्रेडिट, राइट। ये ऐसी इस प्रकार से प्रैक्टिकल आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जांपल आपको सॉल्यूशन में लेने होंगे, तभी आपको डेबिट और क्रेडिट कर पाओगे। सेकंड वन सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट को हमने क्लासिफाई किया किसमें? नॉमिनल में। तो हमें नॉमिनल का रूल्स देखना है यहाँ पर। तो नॉमिनल सैलरी हमारे फर्म के लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, ऐसा प्रश्न हमें खुद को पूछना है। तो सैलरी हमने पे की है, दैट मीन्स अवर एक्सपेंसेस। तो रूल्स क्या कहता है हमारा? एक्सपेंसेस को क्या करना है आपको? डेबिट करना है, दैट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट। तो जो हमने ड्यूअल इफेक्ट्स निकाली थी उसमें से पता चल गया कि सैलरी अकाउंट डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। रुपीज नंबर टू, रुपीज 100 इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारा एग्जांपल हुआ, ट्रांजेक्शन्स हुआ। चलो इसके अंदर से पहला स्टेप कि हमें उस पर से ड्यूअल इफेक्ट निकालनी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट मीन्स कैश कम्स इन, तो पहला अकाउंट ओपन हुआ हमारा कैश अकाउंट। देन आफ्टर इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो रिसीव लिखा यहाँ पर, तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है हमारा, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। हमने दो अकाउंट यहाँ पर ओपन किए। इस स्टेप से आपको कंटिन्यू करना है। फर्स्ट ड्यूअल इफेक्ट, सेकेंड वन क्लासीफाई, थर्ड वन रूल्स। तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्यूशन कर पाओगे। फिर से रुपीज 100 इंटरेस्ट रिसीव, दैट मीन्स कैश कम्स इन, तो उससे पहले कैश को हमें कन्वर्ट करना है उसके क्लासीफाई के अंदर, टाइप्स के अंदर। तो कैश हुआ रियल अकाउंट में और इंटरेस्ट रिसीव वो हमारे लिए इनकम है, इसलिए उसको हम क्लासीफाई करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर, राइट। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब नियम को जोड़ते हुए, कैश तो रियल में है हमारे पास, ये ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? इंटरेस्ट रिसीव्ड, दैट मीन्स कैश कम्स इन, तो हमारा कैश अकाउंट जो हुआ वो होगा डेबिट। एंड लास्ट वन इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव वो हमारे इनकम है। आपको पता है नियम क्या कहता है हमारा? इनकम और गेन उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये दूसरा एग्जाम्पल भी हमने साथ में सॉल्व किया। तो इस प्रकार के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हमें साथ में लेने पड़ेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जितना भी टाइम है हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल को हम साथ साथ में आज सॉल्व करते चलेंगे। हमारा दूसरा लेता है यहाँ पर नंबर थर्ड, पेड वेजिस रुपीज 100। चलो ये हमारे ट्रांजेक्शन्स हुआ। अब उसको याद करो, जैसे कि हमने सैलरी में किया था वैसे ही। वेजिस पेड दैट मीन्स कैश हमारे पास से जा रही है हमारे पास, इसलिए पहला अकाउंट ओपन होगा हमारा कैश अकाउंट। क्या पे किया? खुद को ही बोलना है क्या पे किया। हमने वेजिस पे किया, दैट मीन्स वेजिस अकाउंट हमने ओपन किया। अब उसको टाइप्स में कन्वर्ट करो, कैश हमारे लिए एसेट्स है इसलिए उसको हम लिखेंगे रियल अकाउंट के अंदर, एंड वेजिस हमारा लिए एक्सपेंस है इसलिए हम उसको कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब उसके नियम, कैश
रियल का नियम बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पर क्या हुआ, कैश गोज आउट, दैट मींस हमारी एंट्री होगी क्रेडिट साइड पर। एंड लास्ट वन वेजेस, नॉमिनल अकाउंट में हमने वेजेस पे किया है इसलिए वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए एक्सपेंस हम हमेशा क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो इस हिसाब से ये हुआ हमारा, ट्रांजेक्शन्स को हमने रूल्स के हिसाब से कन्वर्ट करते हुए हमने यहाँ पर लिखा है। और एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर जो रियल के साथ जुड़ा हो ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। नंबर फोर, रुपीज 10,000 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जयेश भाई। चल ये हमने ट्रांजेक्शन्स हमारे पास दिया गया है, उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, पढ़ो अच्छी तरह से पहले और समझो। यहाँ पर कोई टेक्निक नहीं है, इसको सिर्फ समझना है, उसके नियम के साथ इसको जोड़ना है। रुपीज़ 10,000 गुड्स परचेज फ्रॉम जयेश भाई, जयेश भाई के पास से हमने गुड्स परचेज किया फर्म ने, तो सीधी सी बात, क्या परचेज किया हमने, गुड्स परचेज किया, इसलिए अकाउंट होगा हमारा परचेज अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। अब फ्रेंड्स आपको याद करना है ये ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है, उस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कैश रिलेटेड कोई भी बात बताई नहीं गई है यहाँ पर, दैट मीन्स ये जयेश भाई ने हमें दिया है इसलिए जयेश भाई इज अ गीवर। तो सेकेंड वन एंट्री इज होगी जयेश भाई अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट एंड जयेश भाई अकाउंट। चलो हम उसको टाइप्स में कन्वर्ट करेंगे, परचेज अकाउंट, क्या परचेज किया, गुड्स, तो गुड्स को हम लिखते कौन से अकाउंट में, रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब सेकंड वन जयेश भाई अकाउंट, जयेश भाई इज द पर्सनल नेचुरल पर्सन, बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन करते हुए पर्सन, जयेश भाई का नाम लिखेंगे हम पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक। अब दोनों को हम रूल्स के साथ जोड़ेंगे, वॉट रियल का नियम क्या है हमारा, डेबिट वॉट कम्स इन हमारे फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर, गुड्स कम्स इन हमारे पास आ रहा है, ऐसे याद करना है आपको, समझना है ना, डेबिट वॉट कम्स इन, क्या आया, गुड्स आया, आ रहा है, इसलिए हम उसको करेंगे डेबिट साइड पर। देन आफ्टर सेकंड बोलना है यहाँ पर कि जयेश भाई पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का नियम क्या है हमारा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गीवर, यानी गुड्स किसने दिया हमें, किसने हमें प्रोवाइड किया, तो हमें सीधे से पता चला जयेश भाई प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे, तो ये नियम याद करो, क्रेडिट द गीवर, देने वाले कौन है, जयेश भाई, तो वो गीवर है, इसलिए हो गए हमारा क्रेडिट साइड पर। तो हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन बनते हैं उसके एक साइड डेबिट साइड और उसकी क्रेडिट साइड, उसको हमें साथ में जोड़ते चलना है यहाँ पर, राइट। पता चला फिर से रुपीज 10,000 गुड्स परचेज फ्रॉम जयेश भाई, परचेज अकाउंट और जयेश भाई अकाउंट, यहाँ पर परचेज गुड्स परचेज किया तो रियल अकाउंट और डेबिट साइड, यहाँ पर जयेश भाई देने वाले हैं उसको पर्सनल अकाउंट और क्रेडिट के साथ। इसी ट्रांजेक्शन्स को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो क्या डिफरेंस आता है वो देख लेते हैं। रुपीज 10,000 फर्नीचर परचेज फ्रॉम जयेश भाई, चलो मैंने ट्रांजेक्शन चेंज कर दिया, क्या परचेज किया हमने, गुड्स नहीं परचेज किया हमने, फर्नीचर परचेज किया है, तो यहां पर परचेज अकाउंट कभी ओपन होगा नहीं, यहां पर जो बनेगा वो होगा फर्नीचर अकाउंट, राइट। अब फर्नीचर क्या है तो पता है आपके लिए, एसेट्स है यहां पर, तो रियल अकाउंट और वही नियम कि व्हाट कम्स इन, यहां पर गुड्स नहीं लेकिन फर्नीचर कम्स इन, दैट्स मीन्स डेबिट अकाउंट, किसने दिया, जयेश भाई ने, जयेश भाई इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट, पता चला। तो इस हिसाब से आपको ये तो मैंने थोड़े से आपके साथ शेयर किए 5-6 एग्जाम्पल, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए और आपको बैठ के अच्छी तरह से उसको समझना है कि कौन से अकाउंट कब ओपन होते हैं, कौन से अकाउंट को कब उसको क्लासिफाई करना है और कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसीलिए आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर पाओगे। जो फ्रेंड्स हमारे चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह से समझ पाएंगे उनके लिए चैप्टर नंबर 4 में
सिर्फ उसको फॉर्मेशन में लिखना ही काम है हमारा। इसलिए चैप्टर दो को अच्छी तरह से समझ लो। आज एक नियम बना दो कि आज जब ये वीडियो देखने के बाद घर पे बैठ के अच्छी तरह से जो नियम दिए गए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के जो नियम दिए गए हैं, उसको अच्छी तरह से याद कर लो, 5 बार 10 बार अपनी नोटबुक में लिख दो और अच्छी तरह से वो समझ के उस फॉर्मेशन में जैसे सिखाया कि ड्यूअल इफेक्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड थर्ड वन उसके डेबिट और क्रेडिट में जोड़ते हुए हमें इसको चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है। जिनको भी कोई परेशानी हो पर्सनली आप कॉल करके इसका सजेशन आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, हमने आज यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन थी आज हमने इसको कंप्लीट किया है और आज हम चैप्टर नंबर 2 को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।